नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे इस कोरोना के संकट में मौसम भी दिखा रहा है अपना कहर। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आपसे निवेदन है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रुख करते हैं बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में तेज आंधी और कहीं बारिश की खबर है। एक और जहां सोनीपत में तेज आंधी चल रही है तो वहीं पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में बारिश शुरू हो गई है। फिलहाल तेज हवा के साथ बारिश दिल्ली NCR के तकरीबन सभी इलाकों में हो रही है। इससे पिछले 3 दिनों से गर्मी से जूझ रहे दिल्ली NCR के करोड़ों लोगों को रविवार दोपहर बड़ी राहत मिली है। इससे पहले मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले सफदरजंग में 15 अप्रैल को 40.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ था। वहीं पालम में 8 मई को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। शनिवार के दिन सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा के साथ 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं पालम में न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य रहा। हवा में अधिकतम नमी का स्तर 67% और न्यूनतम नमी का स्तर 28% दर्ज हुआ। दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शनिवार को इस सीजन का सबसे अधिकतम तापमान दिल्ली का दर्ज हुआ। सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा के साथ 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं पालम में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा के साथ 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिल्ली से सटे साहिबाबाद में बारिश हो रही है, साथ ही तेज आंधी भी चल रही है। आंधी चलने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली NCR के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक ज़्यादातर जगहों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और बारिश भी हो सकती है।